नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कौशाम्बी, जलभराव के कारण संक्रामक रोग की संभावना प्रबल। सिराथू तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत दारानगर में खड़ंजा चरजर होने के कारण पानी भरा रहता है, जिससे संक्रामक रोग की संभावना प्रबल हो गई। दारानगर शादीपुर के विनय मौर्य का कहना है कि उनके दरवाजे से होकर लगभग 100 मीटर तक नाली नहीं है और ना ही खड़ंजा, जिससे घरों का पानी बारिश का पानी दरवाजे पर एकत्रित रहता है। उसी पानी में कूड़ा कचरा होने की वजह से दुर्गंध रहती है, जिससे पानी में आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं विनय मौर्य का कहना है कि लगातार अधिशासी अधिकारी को सूचना एवं शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। पानी भरे रहने के कारण वहां के आसपास के घरों में बीमारी की प्रबल संभावना बनी रहती है। मेरा नाम विनय कुमार मौर्य है, पुत्र उसका नाम आनंदी प्रसाद मौर्य है, मोहल्ला शादीपुर और नगर पंचायत दारानगर का मैं निवासी हूँ। और मेरे घर के जस्ट सामने जो है ये पानी 15 महीनों से भरा हुआ है और मैं बार बार नगर पंचायत प्रधान को अप्लीकेशन हर मंथ देता रहता हूँ, लेकिन आज तक कोई अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं किया और कोई देखने तक ये नहीं आया है कि इसका क्या निर्णय लिया जाए कि इसकी समस्या सॉल्व हो सके। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।